नमस्कार, आज मुं अति सहज उपाय रे रेस्टोरेंट स्टाइल चिल्ली पनीर रा रेसिपी नहीं के आछि। ए चिल्ली पनीर को बहुत ही सिंपल वे रे बने छि, जहा द्वारा आपण घरे इजीली पूरा रेस्टोरेंट पड़ी चिल्ली पनीर बनई परिबे। यार टेस्ट पूरा पूरी रेस्टोरेंट स्टाइल चिल्ली पनीर रा आस्थाए, आउ बनेबा जेतिकी सहज खाइबा को मते सेतिकी टेस्टी लागिबो। आउ ए चिल्ली पनीर ऊपर पूरा क्रिस्पी, भीतर सॉफ्ट आउ जूसी हे थाए, जहा खाइबा पई बहुत टेस्टी लागे। तो चलंतु एबे डेरी न करी रेस्टोरेंट स्टाइल चिल्ली पनीर अति सहज रे घरे बनेबा स्टार्ट करिबा। चिल्ली पनीर बनिया पई प्रथमे पनीर को कट करिबा। तो पनीर को गोटे नाइफ हेल्प रे एमती प्रथमे लंबा लंबा शेप करिके काटी नेबे। तो मु एठी याको ट्रायंगल शेप रे काटी छी, आपण चाहिले याको स्क्वायर साइज रे भी काटी परिबे, किंतु ट्रायंगल शेप रे कट करिया पई एमती करिके याको काटी नेबे। आउ चिल्ली पनीर पई पनीर रा पीस को सबबेले टिके छोटो साइज रे रखिबे, तेबे जाई कि खाइबा पई टेस्ट लागिबो। बेसी बडो हे गले खाइबा पई टेस्ट लागि नथाए, तो सेति पई एमती छोटो छोटो करिके काटी नेबे। तो आपणको जदि चारिकोणिया शेप रे चिल्ली पनीर खाइबा पसंद, तेबे आपण याको चारिकोणिया शेप रे भी छोटो छोटो करिके काटी परिबे। एठी मु पनीर को काटी नहीं छी एमती एतिके बड़ साइज रे आउ एतिके मोटा करिके काटी छी। तो एठी रेडी हेई गला, एबे जीवा नेक्स्ट प्रोसेस को। तो चिल्ली पनीर पई मु एठी पनीर को काटी नहीं छी, ता सहित मु एठी किछि परिबा को काटी नहीं छी। तो प्याज नहीं छी, याकू चारिकोणिया शेप रे काटिबे। किछि कैप्सिकम नेबे, याकू भी चारिकोणिया शेप रे काटी नेबे। ता सहित किछि बेसी करिकि रसुण को छोटो करिकि काटिबे, अदा को छोटो करिकि काटिबे, आउ ता सहित कंचा लंका को छोटो करिकि काटि नेबे। तो प्रथमे पनीर सबु को गोटे मिक्सिंग बाउल को ट्रांसफर करि नेबे। तापरे एथिरे ऐड करिबे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर आपण देखिके एथिरे एडजस्ट करिबे। तो प्रथमे मु एठी 2 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर देछि, ता सहित अल्प लूण आउ अल्प काश्मीरी लंका गुंड, ता सहित ऐड करिबे अल्प गोलमरीच गुंड। जदि आपणक पाखरे कॉर्नफ्लावर नथिबो, आपण एठी 2 छोटा चम्मच मैदा भी ऐड करि परिबे। एबे एथिरे अल्प बा गोटे पिंच ऑरेंज रेड फूड कलर ऐड करिछि। फूड कलर ऐड करिबा टोटली ऑप्शनल अछि, बस रेस्टोरेंट लुक दबा पई एथिरे फूड कलर ऐड करिछि। एबे याको एमती टिके मिक्स करि नेबे। याको मिक्स कला समय रे टोटली पानी ऐड करिवेनी, एमती टिके मिक्सिंग बाउल को हल्लेबे, आपे आपे कोठै जिवो। तो ये मते कॉर्नफ्लोर टिके कम लागिला कोटिंग पाई, तो अल्प बा अध छोटे चामच कॉर्नफ्लोर ऐड करी दे छी। तो आपण देखिके एडजस्ट करिवे, एका संगरे बेसी कॉर्नफ्लोर ऐड करिवेनी, नहले यार ऊपर लेयर टा मोटा हे गले खाइबा पई टेस्टी लागिबोनी। तो एमती टिके पतळा कोटिंग थिले खाइबा पई टेस्ट लागी थाए। तो ये देखंतु ए भल भाबरे पूरा कोठै जाई छी, तो ए भडियार कोटिंग हबा दरकार। तो एबे याको फ्राई करिबा। तो फ्राई करिया पई मु एठी गोटे कढ़ाई नहीं छी, कढ़ाई रे पाखा पाखी 3 रु 4 बड़ चामच रिफाइंड तेल नेबे, आउ तेल को भल भाव गरम करि नेबे। तेल गरम हो सारा पर गोटे गोटे करके पनीर पीस को ऐड करिबे, आउ याकु फ्राई करिबे। पनीर को फ्राई कला समय रे एका सांगरे सबु पनीर पीस को ऐड करिबेनी, नहले भल से फ्राई हो पारिबनी। तो सेति पई जेतिके स्पेस थिबो सेही हिसाब रे याकु फ्राई करिबे। पनीर को उभय साइड रु बस 2 मिनट पर्यंत मीडियम फ्लेम रे कुक करिबे। याकु बेसी फ्राई करिबेनी, बेसी फ्राई हे गले हार्ड हे जिवो, रबर भया लागिवो, टेस्ट भला आसिबनी। तो सेति पई याकु बस 2 मिनट पर्यंत मीडियम फ्लेम रे उभय साइड को कुक करिबे। तो गोटे मिनिट पई गोटे साइड को, आउ गोटे मिनिट पई गोटे साइड को फ्राई करिबे। तो टोटली 2 मिनट याकु कुक करिबे, ताटु बेसी याकु कुक करिबेनी। एडी पनीर फ्राई हे जाइसी, एबे याकु गोटे प्लेट को बाहर करि नबा। सेम प्रोसेस रे बड़का सब पनीर को फ्राई करके रेडी करि नबा। एठी सब पनीर फ्राई होकर रेडी हो जाए, एबे फाइनल प्रोसेस रे चिल्ली पनीर बनवा। तो मुझे एक्सेस तेल को बाहर कर कड़ाई में पखापाखी 2 बड़ चामच तेल रखी। तेल ये गरम अच्छी, एबे ये अदा रसुण और कंचा लंका ऐड करिबा। अदा रसुण कंचा लंका को मुझे पूरा छोटो छोटो करके काटी नहीं। चाइनीज डिश रे रसुण परिमाण टिके बेसी करके देबे, तेबे जाइकी टेस्ट बहुत बढ़िया आसीबो। एबे याकु 1/2 मिनिट पर्यंत मीडियम फ्लेम रे फ्राई करि नेबे। तापरे एथिरे ऐड करिबे प्याज आउ कैप्सिकम। प्याज कैप्सिकम को मु चारिकोणिया शेप रे काटी नै छी। एबे याकु मीडियम फ्लेम रे 1.5 रु 1.5 मिनिट पर्यंत फ्राई करिबे, जहा द्वारा कैप्सिकम आउ प्याज टिके क्रंची हे जिवो। याकु पूरा सिझे के सॉफ्ट करिबेनी, टेस्ट खराब हे जिवो। चाइनीज डिश रे वेजिटेबल टिके क्रंची थिले खाइबा पई टेस्टी लागी थाए।
तो ये गोटे रु दे मिनिट पर्यंत या फ्राए कर पूरा क्रंची हो जाए तो ये ये सस् एड करवा। तो प्रथम एड करेंगे टमाटो सस्। तो पाखापाखी तीन बड़ चामच टमाटो सस् एड करेंगे। सस्र क्वांटिटी आपण निजे देखिकी एडजस्ट करेंगे। एबे गोटे बड़ चामच ग्रीन चिली सॉस ऐड करेंगे। तापर एथिरे सोया सॉस ऐड करेंगे पाखापाखी गोटे छोटे चामच। आउ ता सहित एठि मु दी छोटे चामच विनेगर ऐड करी सॉस सब को मिक्स करे। गैस फ्लेम मु एठि लो रखी तो सॉस सब को मिक्स कर सारापर एथिरे कॉर्नफ्लोर रा मिक्सचर ऐड करिबा। तो सेतिपई मु एठि गोटे चामच कॉर्नफ्लोर को हाफ कप पानी रे मिक्स करके रखी। एबे कॉर्नफ्लोर रा मिक्सर को ऐड करी दबा ग्रेवी बनिया पाई। तो कॉर्नफ्लोर मिक्सर ऐड करी सल्ला परे याकु थरे मिक्स करी नेबे। तापर याकु हाफ मिनिट पर्यंत मीडियम फ्लेम रे टिके कुक करीबे जहा द्वारा कॉर्नफ्लोर रा कॉन्चियस स्मेल टा पड़े जिवो। एबे एथिरे स्वाद अनुसार लुणो आ गोलमरीच गुंड ऐड करीबे। पाखा पाखी अधा छोटे चम्मच गोलमरीच गुंड ऐड करीबे। तापर याकु भलो भाबरे मिक्स करी नेबे। तो एडी मिक्स हे गला। कॉर्नफ्लोर रा मिक्सचर ऐड कला परे आपण देखिबे ग्रेवी टिके ठीक हे जिवो। तो एबे एठी ग्रेवी को पतला करिया पई मु एठी पाखा पाखी हाफ कप पानी ऐड करी छी। तापरे याकु टिके कुक हवा पई छाडी देबे तो मिक्स करी नेबे। तो एठी भलो भाबरे कुक हे जाई छी भलो से बॉईल हे जाई छी। एबे लास्ट रे एथिरे फ्राई करिके रखितिबा पनीर को ऐड करिवे। पनीर ऐड कला परे ग्रेवी सहित याकु भलो से मिक्स करिवे। तापरे मीडियम हाई फ्लेम रे याकु मैक्सिमम 2-3 मिनिट पर्यंत याकु कुक करिवे। 2-3 मिनिट कुक कर सारा पर यार कंसिस्टेंसी एई भड़िया अच्छी। एई भड़िया कंसिस्टेंसी थिले गैस को ऑफ कर देबे कहीं थंडा सारा पर ग्रेवी पूरा थिक हो जिवो आउ पनीर उपरे पूरा भल से कोट हो जिवो। तो एही समय रे गैस को ऑफ कर नेबे। एबे लास्ट रे थिरे किछि कटा धनिया पत्र ऐड करिवे। तापर याकु सर्व करिया पई बाहर करि नेबे। एही चिल्ली पनीर उपर पूरा क्रिस्पी ओ भीतर पूरा सॉफ्ट रहि थाए आ जूसी रहि थाए जहा खाइबा पई बहुत यम्मी लागे आ यार टेस्ट पूरा पूरी रेस्टोरेंट पर ही लागी थाए। तो आपण भी थरे मो प्रोसेस रे एमिति सहज उपाय रे घरे रेस्टोरेंट पर चिल्ली पनीर बनांतु। आ केमिति लागुछि निजे एक्सपीरियंस मो सहित कमेंट करिके शेयर करंतु। धन्यवाद।